श्री गंगानगर, राजस्थान। नमस्कार दोस्तों, पिछली वीडियो में हम टूर कर रहे थे राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में। अब हम बात करेंगे राजस्थान के श्री गंगानगर की। श्री गंगानगर राजस्थान के उत्तर में स्थित एक शानदार शहर है। यह शहर भारत की राजधानी दिल्ली से 400 किलोमीटर, राजस्थान की राजधानी जयपुर से 468 किलोमीटर और बीकानेर से 241 किलोमीटर, पंजाब के चंडीगढ़ से 350 किलोमीटर पर स्थित है, जो कि अपनी बाउंड्री को शेयर करता है राजस्थान के बीकानेर और हनुमानगढ़, उत्तर में पंजाब और पश्चिम में पाकिस्तान। श्री गंगानगर पहले बीकानेर रियासत का एक भाग हुआ करता था, इसलिए इसका नाम बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह के नाम पर हुआ। 30 मार्च 1949 को श्री गंगानगर को बीकानेर से अलग करके बनाया गया। राजस्थान के सबसे ज्यादा सिंचित कृषि क्षेत्र में स्थित होने के कारण प्रमुख व्यापारिक मंडी इस जिले में स्थित है, इसलिए इस जिले को राजस्थान का धान का कटोरा कहा जाता है। श्री गंगानगर को पहले रामनगर या रामों की ढाणी कहते थे। यहाँ पर मुख्य रूप से राजस्थानी, पंजाबी और हिंदी भाषा बोली जाती है। श्री गंगानगर आने के लिए देश के हर कोने से भारतीय रेल व बस की सुविधा है। श्री गंगानगर लगभग 180 किलोमीटर प्रति घंटा में फैला हुआ है। इस जिले की पॉपुलेशन 2011 के जनगणना के अनुसार 19,70,520 है। मौसम की बात करें तो गर्मी में 52 सेल्सियस तक तापमान पहुंच जाता है, शीतकालीन में -2 सेल्सियस के आसपास तापमान गिर जाता है। इस जिले में 80% सिंचाई नहर से की जाती है। अवतार सिंह सीमा माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले प्रथम भारतीय जो कि गंगानगर से बिलोंग करते थे। श्री गंगानगर में कुल 10 तहसीलें हैं। अनूपगढ़, गंगानगर, गढ़साणा, पदमपुर, रायसिंह नगर, रावला, विजयनगर, श्री करणपुर, सूरतगढ़ और सादुलसर। अब हम बात करते हैं श्री गंगानगर के कुछ ब्यूटीफुल टूरिज्म प्लेस की। आगे बढ़ने से पहले आप स्टाइलिश भूमि यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, साथ ही बेल ऑल प्रेस जरूर करिएगा। नंबर 1, अनूपगढ़ फोर्ट। अनूपगढ़ का किला शहर के नजदीक ही स्थित है, पाकिस्तान की सीमा के करीब स्थित है। वर्तमान में यह पुरानी धरोहर खंडर हो चुका है। भले ही आज यह किला खंडर है, लेकिन अपने दिनों में यह एक बेहद भव्य संरचना हुआ करता था। अनूपगढ़ किले का निर्माण वर्ष 1690 में मुगलों द्वारा किया गया था, जो कि अनूपगढ़ को मुगल शासन अपने पास रखना चाहते थे। अगर आप श्री गंगानगर की यात्रा पर हैं या जा रहे हैं तो आपको एक बार जरूर अनूपगढ़ फोर्ट देखने के लिए जाना चाहिए। नंबर 2, हिंदुमल कोट बॉर्डर। हिंदुमल कोट बॉर्डर की श्री गंगानगर शहर में स्थित है, जो भारत और पाकिस्तान को अलग अलग करती है। इस सीमा को बीकानेर के दीवान हिंदुमल के सम्मान में उनके नाम पर रखा गया है। यह बॉर्डर श्री गंगानगर के प्रमुख पर्यटन आकर्षणों में से एक है। यह सीमा श्री गंगानगर से मात्र 25 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, जो कि आप जनता के लिए सुबह 10 बजे से शाम 5:30 बजे तक खुला रहता है। अगर आप श्री गंगानगर शहर घूमने के लिए जा रहे हैं तो आपको एक बार हिंदुमल कोट बॉर्डर की सैर करने के लिए जरूर जाना चाहिए। नंबर 3, बुढ़ा जोड़ गुरुद्वारा। ये गुरुद्वारा श्री गंगानगर का एक प्रमुख स्थल है। इस गुरुद्वारे को एक महत्वपूर्ण घटना को याद करने के लिए बनाया गया था, जब अमृतसर के श्रवण मंदिर में बलि का दोषी मासारंगर 1740 ईस्वी में सुखा सिंह और मेहताब सिंह के द्वारा न्याय के लिए लाया गया था। ये गुरुद्वारा डाबला गांव में स्थित है, जो एक पूजा स्थल भी है। यहाँ पर कई तरह के स्मारक और चित्र बने हुए हैं। नंबर 4, लैला मजनू की मंजार श्री गंगानगर के प्रमुख पर्यटन स्थलों में से एक है, जो अनूपगढ़ शहर से लगभग 11 किलोमीटर दूर बिंजोर गांव में स्थित है। इस मकबरे के बारे में कहा जाता है कि इस मकबरे का संबंध प्रेमी लैला और मजनू से है। बताया जाता है कि लैला और मजनू सिंध से ताल्लुक रखते थे, जो लैला के माता पिता और भाई से बचने के लिए यहाँ पर बस गए थे, क्योंकि वे सभी लैला मजनू के प्रेम के खिलाफ थे। लेकिन जब लैला मजनू की मृत्यु हो गई तो उन दोनों को इस जगह पर दफनाया गया, जिसे आज लैला मजनू की मंजार के रूप में जाना जाता है। लैला मजनू का मकबरा आज प्रेम का प्रतीक बन गया है। यहाँ पर दूर दूर से प्रेमी जोड़े आशीर्वाद लेने के लिए आते हैं। लैला मजनू के प्यार को मनाने के लिए यहाँ पर हर साल मेले का आयोजन किया जाता है, जिसमें ज्यादातर नवविवाहिता जोड़े शामिल होते हैं। अगर आप अपनी लाइफ पार्टनर के साथ श्री गंगानगर की यात्रा कर रहे हैं तो आपको एक बार लैला मजनू की मंजार अवश्य जाना चाहिए। नंबर 5, गौरी शंकर टेम्पल। श्री गंगानगर का यह गौरी शंकर मंदिर एक हिंदू धार्मिक का मुख्य आकर्षण का केंद्र है। यहाँ पर साल भर भारी संख्या में पर्यटक आते हैं। यह मंदिर भगवान शिव जी को समर्पित है और गर्भगृह में स्थित शिवलिंग को इसका मुख्य आकर्षण माना जाता है। गौरी शंकर मंदिर के निर्माण में सैंड स्टोन का उपयोग किया गया है। आप श्री गंगानगर की यात्रा पर हैं तो आप जरूर जाएं। नंबर 6, बोर विलेज। यह गांव अनूपगढ़ राम सिंहपुर मार्ग पर स्थित है। आपको बता दें कि यह गांव सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेषों के लिए प्रसिद्ध है। अगर आप एक इतिहास प्रेमी हैं तो आपको इस गांव की यात्रा अवश्य करनी चाहिए। इस गांव के आसपास के क्षेत्रों में कई कलाकृतियां और कंकाल के अवशेषों और इमारतें मिली हैं, जिससे इस बात का पता चलता है कि उस समय की अवधि में यह क्षेत्र जीवन से संपन्न था। आप यहाँ जरूर जाएं। नंबर 7, पदमपुर श्री गंगानगर में स्थित एक प्रमुख शहर है, जिसका नाम बीकानेर राज्य के शाही परिवार के राजकुमार पदम सिंह के नाम पर रखा गया। आपको बता दें कि पदमपुर गंगा नहर के निर्माण के बाद एक कृषि केंद्र के रूप में भी कार्य करता है। यहाँ पर गेहूं, बाजरा, गन्ना, चना जैसी फसलें उगाई जाती हैं। नंबर 8, फन टाउन वाटर पार्क। यह पार्क श्री गंगानगर का सबसे बेहतरीन वाटर पार्क है। यहाँ पर आने के बाद 2 प्रकार की टिकट की व्यवस्था की गई है। 200 रुपये और 400 रुपये। यहाँ पर आप दोस्तों के साथ जरूर आए। यहाँ पर आप वाटर स्विमिंग भी कर सकते हैं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही। ऐसे ही रोमांचक वीडियो को देखने के लिए आप मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मैं आपको अगले वीडियो मिलूंगा, तब तक नमस्कार, जय हिंद, बाय बाय।